ये भाई साहब गिर गए यहाँ पे। मजा आया मिट्टी चाट के। ये देखो कैसे बर्फ बन गए हैं। सब्सक्राइब करोगे नहीं करोगे, फॉलो करोगे नहीं करोगे। ये देखो ये ट्रक के टायर देखो यार, कभी देखी है वाइट सड़क? थोड़ी फट रही है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ सिक्किम एक्सपीडिशन। आज वो दिन है जब हम राइड करेंगे यार -5 -6 डिग्री टेम्परेचर में। अभी यहाँ पे है लगभग 0 या -1 कह लो। हालांकि कपड़े मैंने अभी भी कम पहने हैं, अभी यहाँ सारा जैकेट वगैरह रखा पड़ा है, इसको पहनूंगा फटाफट और उसके बाद बाइक पे मिलते हैं। अभी यहाँ क्या कुछ नहीं है, अभी भाई यहाँ पे बज रहे हैं करीब 6, सारा सामान सब कुछ यहीं छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ? गुरदम्बर लेक। आई होप आपको पिछले वीडियोस वगैरह पसंद आ रही होगी, और आ रही है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना यार, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना एजे ब्लॉग्स को, यूट्यूब पे देख रहे हो तो SJ365 को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा है उसको हिला दो ताकि ऐसे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। बोला भी नहीं जा रहा, सांस फूल रही है। कल रात को मैंने डायमॉक्स भी खा लिया था कि हाइट पे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो लेक है वो करीब 18,000 फीट पे है। अब कुछ नहीं बोल पाऊंगा, अब सीधा मिलते हैं बाइक पे। बढ़िया, हम निकल चुके हैं गुरदुमर लेक की तरफ और यार सांसें अभी से चल रही है। और आज मैंने विंटर ग्लव्स पहना है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। आगे जो रास्ते आएंगे उसमें साइड में बर्फ़ वगैरह भी मिलने के चांसेस है। यहाँ से गुरदुमर लेक करीब 3-3.5 घंटे का रास्ता है। बढ़िया पुल आ गया भाई, आज तो सुबह सुबह राइड करके मज़ा आ रहा, बहुत दिनों के बाद इतनी सुबह सुबह राइड हो रही है। अरे डब डब, फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग ऑफ द डे। ओहो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओहो हो, मज़ा आ गया भाई। ठंड लग रही है इसीलिए मैं ना थोड़ा बावला हो गया हूँ, और कोई बात नहीं है। ओहो, ऐसा कहा जाता है ठंड में ना थोड़ा अननेसेसरी बातें करने से ना ठंड चली जाती है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे यार ये पूरा आर्मी एरिया है, इनफैक्ट बॉर्डर एरिया, इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस यहाँ पे हर जगह है। तो ड्रोन प्रोहिबिटेड जोन है, अगर ड्रोन में उड़ाता हूँ तो मुझे भी जेल में डालेंगे, ड्रोन को भी तोड़ देंगे, मारेंगे अलग। भाई तो भाई इतनी ठंडी में समझ रहे हो ना, ये सब नहीं चाहिए अपने को, तो इसीलिए थोड़ा मैनेज करना भाई। भाई चलते चलते यार एक बहुत ही बढ़िया नदी दिखी है जिसका बहाव बहुत तेज है, एक उससे भी बढ़िया पुल दिखा है मेरे पीछे, व्हाइट माउंटेन स्नो कवर्ड। यहाँ हम सब की बाइक्स, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे, समझ नहीं आ रहा क्या क्या दिखाऊँ आपको। इतनी बहाव है इस नदी में, पता नहीं पूरा शहर बहा के ले जाएगी, इतनी बहाव है। ये हुई ना बात, सामने देखो नज़ारे। और ये हमारे 3 राइडर्स, अभी हमने फ्लैग हटा रखा है, थोड़ी देर में हम फ्लैग लगाएंगे। लेकिन ये जो धूप आ रही है ना तो थोड़े थोड़े ठंड से हमें बचा रही है। और भाई क्या बढ़िया लग रहा, मज़ा आ रहा कसम से यार, बहुत दिनों के बाद ऐसे रास्तों पे राइड कर रहा हूँ कसम से। मतलब मैं अपनी फीलिंग नहीं बता सकता आपको। मतलब पहले दिन हम पहुँचे थे गैंगटॉक, दूसरे दिन हम पहुँचे लाचेन, और तीसरे दिन में जो मज़ा आया है, और अभी तो भाई मतलब जो मेन नज़ारे वो आए भी नहीं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, कसम से मज़ा आ जाएगा। जो तुम्हारे 20-25 मिनट जाएंगे ना जीवन के, याद रहेगा तुम्हें।
ये देखो यार, बर्फ एकदम रोड पे मिलने लगे अब तो। कारदुंगला की याद आ रही है, ऐसे ही चढ़ते जा रहे थे, थोड़े थोड़े बर्फ आ रहे थे। आई एम डैम श्योर ऊपर और ज़्यादा होंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा धूप नहीं आता तो यहाँ बर्फ़ पिघल नहीं पाती, और वैसे भी हर दिन एक दो दिन छोड़ के स्नोफॉल हो ही रही है। ये देखो कैसे बर्फ बन गए हैं। ओ भाई ये देखो, ओ भाई मुझे लगा ये पानी है। ये तो पूरा हार्ड हो गया है। चल सकते हो इस पे तो? अबे ये निकल भी नहीं रहा, ये निकल भी नहीं रहा। ये देखो, ओ वो देखो, ओ नीचे ही नहीं जा रहे तो। ये हमने पानी को और भाई ये तो अभी कुछ नहीं है, गुरदुमर क्या होगा। ओ भाई ये देखो, हटो। ओ भाई ये देखो ना, ये पैर यहाँ पे। ओए ओ ये देखो, शीशे में क्रैक आ गया। इस वीडियो में तो भर भर के बर्फ मिलेगा आपको। और यार ये वाटरफॉल क्या मस्त लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है बर्फ ही है। देखो भाई यहाँ के जो आर्मी वाले लोग हैं यार, वो उनके लिए तो ह्यूज रेस्पेक्ट है। इतनी ठंड में भी वो अपना, यार हम तो एक दो दिन के लिए घूमने के लिए आते हैं तो हमें मज़ा आता है, लेकिन अगर यहाँ रहने को बोल दिया जाए तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। बट भाई लोग हमारे देश के जवान, ह्यूज रेस्पेक्ट। ये देखो भाई ये क्या है, ये देखो पानी जम गया है। सब्सक्राइब करोगे नहीं करोगे, फॉलो करोगे नहीं करोगे। ये देखो, और ये देखो यार ये पानी कैसे जमा हुआ है। ये देखो ये देखो केचुआ। ये है भाई ब्लैक आइस, और अभी मेरी बाइक फिसलते फिसलते बची है, तो मैं थोड़ा आराम आराम से ही। ये देखो अब रोड रोड पे थोड़े थोड़े से बर्फ आ रहे हैं, हालांकि इनको क्लियर किया गया है, वरना ब्लैक आइस जम के भाई गाड़ियां स्लिप करती है। पर साइड में देख रहे हो कितना ज़्यादा ही बर्फ़ है, और अभी भी करीब करीब 25-30 किलोमीटर रह रहा है, ज़्यादा ही रह रहा होगा शायद गुरदुमर लेक। अभी बज रहा है 8:44, करीब एक घंटे हुए हैं हमें होटल से निकले हुए। वो बहुत तगड़ी स्लिप हो रही है। ओए ओए यहाँ से गिरने का पूरा पूरा चांस है, तो एकदम आराम आराम से। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। ये देखो यहाँ से क्या नज़ारे, क्या अमेजिंग नज़ारे। ये ट्रक के टायर देखो यार, ऐसे स्नो चेन लगा के लोग चलते हैं यहाँ पे। और मैं चलूँगा अब सबसे पीछे, क्योंकि ये आ गया है रेड जोन। रेड जोन वो होता है जहाँ पे बर्फ़ पिघलती नहीं है क्योंकि धूप आती नहीं है, तो ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा ही रहता है, और इसमें फिसलने का बहुत ज़्यादा ही डर रहता है। सावधानी हटी मिट्टी चटी, हाथ पैर नाक कान मुंह सब जाम हो चुका है। यार यहाँ से जो गुरदुमर लेक है वो करीब 11-12 किलोमीटर है। अब रोड बहुत अच्छे आ गए हैं, हालांकि रोड के बीच बीच में थोड़ी सी बर्फ़ है, साइड साइड में भी बर्फ़ है, सांसें चढ़ रही है। 2000 फीट की ऊंचाई और ऊपर चलनी है, 18000 फीट पे पहुंचना है, और ठंड लग रही है ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। वाइट सड़क कभी देखी है, वाइट सड़क। सो वी आर अबाउट टू रीच गुरदुमर लेक, वो यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर रह गया है। ठंड थोड़ी सी पता नहीं क्यों यहाँ कम हुई है।
थोड़ी सी शायद ये मेंटालिटी है मेरी शायद, और कुछ तो कम हुई है शायद। भाई ये कतई खड़ी चढ़ाई, वो ऊपर क्या है, ऊपर क्या है भाई, ये सब तो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था यार। ओ भाई मजा सा आ गया यार। मेरे ख्याल से वी आर अबाउट टू रीच, यस यस पवित्र, फाइनली गोरदुम्मर लेक देखो आधा जमा हुआ है। ओहो हो यस, अजय भाई नहीं ओहो आधा जमा पड़ा है, आधा नहीं। यार ये स्कीइंग कर रहे हैं क्या यहाँ पे? फाइनली वी हैव मेड इट टू गुरदोमर लेक। ये देखो यहाँ पे भाई पूरा फ्रोजन है, उसके बाद थोड़ा हाफ फ्रोजन है, उसके बाद पूरा नीला वाटर, ब्लू पानी। हाँ, ब्लू है पानी, पानी पानी पानी। यहाँ देखो लड़के हो गए पागल भाई, ऐसा व्यू देख के तो पागल ही हो जाएंगे ना भाई। वो देखो ऊपर क्या है, वो गुरदुमर ग्लेशियर है। दिस इज गुरदुमर पीक, हर हर महादेव। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि वो जो ब्लू वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा करीब से भी आपको दिखाऊंगा, तो अभी वहीं पे जा रहे हैं। कहा जाता है कि जो जल है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, और लोग इसको लेके जाते हैं अपने घर भी, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पवित्र स्थल। सो गाइस नाउ वी आर ऑलमोस्ट नियर द होली रिवर, नॉट रिवर, द होली लेक, गुरदुमर लेक। ये देखो और वो ऊपर के पहाड़, दे आर अमेजिंग। अगर आप गौर से देखोगे तो वो जो येलो पहाड़ है उसके शेडो से पानी येलो दिख रहा है, आसमान ब्लू है तो ब्लू दिख रहा है कुछ, मतलब थोड़ा इधर अगर ग्रीन होते तो ग्रीन दिखता, बीच में तो कंप्लीट ब्लू, और ये पूरा ऐसे जमा हुआ। तो यार हम बढ़िया एकदम लेक के पास आ गए, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे लेक है हमारे, यहाँ पे अभी हम बनाएंगे मैगी। देखो जो भी कचरा फैलाएंगे सब उठा के ले जाएंगे, तो टेंशन मत लो। और वहाँ पे अभी भाई लोग हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। यहाँ पे शिवम भाई है, ये देखो यार ये पूरा आइस जमा पड़ा है, ये देखो। ओ भाई ओए, ये देखो फ्रोजन है पूरा ये देखो भाई, ये जैसे देख रहे हो ये देखो कंप्लीटली फ्रोजन। बिलीव और नॉट आई एम स्टैंडिंग ऑन अ लेक, अ फ्रोजन लेक। ओ भाई आई एम वॉकिंग, थोड़ी फट रही है तो हम चले। ये देखो मेरा भारत महान, 100 में से 80 मेहमान। तो भाई बढ़िया एकदम फोटो वोटो लेके अब हम सब अपना खाना बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कोई खाना नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम अपना खुद का स्टोव, खुद का खाना, पानी भाई से ले लिया। वैसे पानी तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, बट पानी ले लिया हमने भाई से, थोड़ा बहुत बर्फ़ का भी यूज़ कर लेंगे इफ़ रिक्वायर्ड, नहीं तो यहाँ पे हमारे एच जे का ढाबा का मतलब स्टार्टिंग हो रहा है। शेफ विशेष फ्रॉम वैम ब्लॉग्स इज ट्राइंग इज बेस्ट। क्या बनाएंगे सर आप आज? मैगी और वाइवा। मैगी नहीं, मैगी। अच्छा मैगी, मैगी और वाई वाई, जेड जेड नहीं, जेड जेड नहीं, वाई अच्छा, वाई वाई। मैगी बन चुकी है हमारी, और ये आ रही है मैगी, थोड़ी थोड़ी आ रही है क्योंकि भाई इतनी रिमोट जगह पे मैगी मिल रही है, वो भी एच जे का ढाबा से, तो थोड़ी थोड़ी मिलेगी, मिल रही। भाई हम कचरा जो भी फैलाएंगे ले जाएंगे, तुम टेंशन मत लेना। बस सर इतना मत दो मुझे, तुम्हारे नहीं है बे, मेरा नहीं है। दो जने तीन जने खाएंगे इसमें से। ये देख लो मैगी, मैगी मैगी
थैंक यू सो मच विशेष। अरे तो यार हम लोग मैगी वैगी खा के बढ़िया एकदम आ गए ऊपर, थोड़ी थकान हो गई थी और यहाँ ऊपर आए तो यहाँ देखे कि जो भी सिक्किम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोग हैं वो यहाँ की साफ सफाई कर रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगा। आप देखोगे सर वहाँ पे साफ कर रहे हैं, थोड़ा सर यहाँ पे साफ कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत इनकी हेल्प कर रहे हैं और इसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। बाइक हमारी यहाँ पे अभी देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं, एंड यहाँ से हम जाएंगे कहाँ, पहले जाएंगे थांगू थांगू, उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे काला पत्थर जाने का। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि हम जा पाते हैं कि नहीं। अब यहाँ से ख़त्म हो गया अच्छे रोड, अब यहाँ से आएगा फिर से आर्मी पोस्ट। ये है वो लेक, देखो यार एक बार इस लेक को देखो, ये फ्रोजन है, मतलब छोटी सी रिवर है ये, लेक नहीं है। और बीच बीच से देखो थोड़ा थोड़ा पानी अंदर से जा रहा, देखो भाई बहुत बढ़िया लगा गुरदुमर लेक आके, सिक्किम आके। ये देखो यार कैसे बीचों बीच से, मतलब साइड साइड बर्फ बना हुआ है, बीच से ऐसे पानी आ रही है, देख रहा। ये नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा था भाई, सच बता रहा हूँ मम्मी कसम। काला पत्थर के लिए हम लोग यहाँ से राइट लेंगे और देखते हैं हमें जाने मिलता है कि नहीं। काला पत्थर किधर जाता है? नहीं सर, तो काला पत्थर ऐसा है कि बैक साइड ऑफ द माउंटेन है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बर्फ़ मिलती है जैसा आप देख रहे हो। यहाँ पे ये होना ही था, ये भाई साहब गिर गए यहाँ पे। मजा आया मिट्टी चाट के। ये ले, ये वैम ब्लॉक्स, ये एजे 365, ये हिमालयन बाय नेचर, और ये हमारे सारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे मैं रुका था कुत्ते को बिस्किट खिलाने के लिए, नहीं विशेष की बाइक नीचे गिरी थी वो उठाने के लिए। तो यार जैसा मैंने बोला था यही है काला पत्थर, यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो विशेष हमारे वैम ब्लॉग्स जी चाह रहे हैं कि बाइक बर्फ़ के ऊपर ले जाए। ये देखो यार। तो यार अब मैं आ गया हूँ वापस लाचेन अपने रूम पे जहाँ पे कल स्टे लिया था। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, आई नो थोड़ी लंबी हो गई होगी, तो थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नए वीडियो पे नए डेस्टिनेशन से, तब तक के लिए बाय। और हाँ यार सब्सक्राइब करके जाना।